नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। पूरे बिहार प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर केंद्र सरकार के द्वारा कृषि सुधार के नाम पर जो किसान एवं गांव विरोधी विधेयक के खिलाफ जिला राजद के तत्वावधान में राज्यव्यापी प्रदर्शन जननायक कर्पूरी ठाकुर चौक से दरभंगा जिला मुख्यालय तक हाथों में तख्ता ट्रैक्टर के साथ नारा लगाते हुए हजारों किसानों के साथ अध्यक्ष श्री राम नरेश यादव जी और विधायक भोला यादव जी, विधायक ललित यादव जी, पूर्व महाप्रभुम प्रकाश खैरिया और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष राकेश नायक जी और महिला अध्यक्ष यासीन खातून जी भी मौजूद थी। तमाम कार्यकर्ताओं ने इस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस काला कानून को केंद्र सरकार को हर हाल में वापस लेना होगा। जब तक वो वापस नहीं लेगी, राजद इसका पुरजो विरोध करता रहेगा। तो आइए आपको हम सुनाते हैं कि राजद परिवार ने इस काले कानून को लेकर के क्या कहा और केंद्र सरकार से उनकी क्या मांगे हैं। हुआ है सदन में, जिस सदन का कोई मान है उसी का विरोध युवा राष्ट्रीय पूरी इकाई दरभंगा में जनता विरोधी, समाज विरोधी, किसान विरोधी है। इसके लिए हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं और इससे जो जमाखोरी है उसमें बढ़ोतरी होगी। नौबत क्या होगा कि जिस तरीके से अगर आज ये सोच रही है सरकार, जिस तरीके से अगर मकई की आज 5 रुपये मिल रहा है, जमाखोर उसको जमा कर देंगे तो कुछ दिन के बाद जो पूंजीपति है कंपनी जिस तरीके से भारत में कब्जा करने का काम किया था, उस तरीके से आज इसको कब्जा करने का काम कर रही है। हम लोग इसके खिलाफ में आज आंदोलन लेकिन मजदूर को आप फिक्स कर दीजिएगा, उसको कभी बढ़ाइएगा नहीं तो उसका राशन पानी कैसे चलेगा भाई। और ये जबरदस्ती अभी कोरोना काल में इनको कोई विधायक नहीं लाना चाहिए, कोरोना से नहीं बढ़ना चाहिए, बाढ़ से नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन ये नया कानून लाके इन्होंने बहुत जुल्म किया है। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी पदाधिकारी हैं और देश के जितने भी राजनेता हैं सभी इस पर लड़ेंगे। आज यहाँ दरभंगा में जो राजद के बड़े बड़े तमाम आला अधिकारी थे वो मौजूद है। हमारे साथ भोला यादव जी हैं। सर, सरकार कोई बहस नहीं चाहती है, जो भी बहस करता है उसको बाहर निकाल देती है और विधेयक पास करती है। सवालों में मेरा घंटा आज का ये जो प्रदर्शन, इस प्रदर्शन का मूल उद्देश्य है किसान के साथ इस तरह से गांव के साथ, किसान के साथ और खेती करने वाले मजदूर के साथ इस तरह से ये कानून लाया गया है, उससे साफ परिलक्षित होता है इस निरंकुश सरकार को किसान के बदहाली से, किसान के बेआबरू होते हुए जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। वो चाहता है तो किसी भी तरह से किसान को मजबूर करने आत्महत्या करने के लिए, और आत्महत्या किसान दिन प्रतिदिन आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ये कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए ये विधेयक लाया है। जो 85% लोग जो खेती कर रहे हैं वो खेती करते रहेंगे लेकिन उनको उसके उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाएगा और बिचौलियों के द्वारा जितने भी पूंजीपति वर्ग हैं उनको लाभ पहुँचाने के लिए कानून लाया गया है। आप बिल की बात करते हैं, ये बिल जिस तरह से लाया गया है इससे साफ लगता है कि सरकार को संसद की कोई जरूरत नहीं है, विधायकों की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ के आम जनता के भविष्य की कोई जरूरत नहीं है। अपना मनमानी ये बिल पास कर रहा है और मनमानी तरीके से ये बिल ठोक रहा है। आप पिछले 10 दिन के अंदर में देखे होंगे दर्जनों बिल लाए हैं और एक बिल पर भी पास नहीं हुआ है। आखिर उस बिल का उद्देश्य क्या है इनका? कहीं ना कहीं किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बिल लाया गया है। इसी का विरोध राष्ट्रीय जनता दल पूरी मुस्तैदी के साथ राज्यव्यापी आंदोलन करके कर रही है। अभी हम लोग समाहरणालय के बाहर इसका प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ के कलेक्टर साहब के माध्यम से इस निरंकुश सरकार को बताना चाहते हैं तो आप इस बिल को वापस लीजिए, नहीं तो अन्यथा हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा।
जारी रहेगा। लोकसभा में लोकतंत्र की हत्या करते हुए किसान विरोधी विधेयक लोकसभा में पास किया गया, इसका हम लोग जोर विरोध करते हैं। कारण यह है कि किसानों के जो मतलब अनाज है उसका लाभकारी मूल्य किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल करके इस तरह की व्यवस्था की गई है इस विधेयक में कि जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं वो कॉरपोरेट जगत के लोग उसका लाभ उठाएंगे और किसान को जो है जो आत्महत्या करने वाले ऐसे भी आज मान लिया कि जो भारत सरकार की नीति है उसके कारण किसान हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और उसके ऊपर एक नया बोझ लाद करके किसानों को तबाह बर्बाद करने की साजिश की गई है, जिसका राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर विरोध करता है। राष्ट्रीय जनता दल किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, अखिलियतों की पार्टी है और किसानों के हित में अगर किस दूरी तक लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी लड़ने की जरूरत पड़ी लड़ी जाएगी। इस कानून का जब जब विरोध करता है सर, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्लोगन था जय जवान जय किसान जय चुप्रोन, उनके द्वारा बनाया हुआ बहुत सारा कानून था कि बोलो चुप्रोन है, पुराने कानून को तोड़ रही है, इसमें आप क्या कहते हैं? ये जो विधेयक लाया गया है ना, ये किसान विरोधी विधेयक है, काला विधेयक है। ये इस विधेयक का हम लोग घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जब तक ये काला विधेयक आप वापस नहीं लेते हो तो राष्ट्रीय जनता दल का आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। हम लोग इस काले विधेयक को मानने वाले नहीं हैं। इसमें किसान जो है पहले से किसान का पलायन स्थिति है। एक तो 2006 में ये NDA सरकार ने बिहार के लाया, जो यहाँ का जो बाजार समिति था उसको खत्म कर दिया। दूसरा ये जो काला बिल लाया है, ये काला बिल से अनेक खामियां हैं और जब अभी कोरोना काल है, जब आपका ये संकट काल है, इस संकट काल में आपको ये काला बिल लाने की क्या जरूरत, क्या है इस बिल में? अभी पूरे दिल्ली में, पूरे दिल्ली में तमाम हरियाणा के विधायक, हरियाणा के किसान, दिल्ली के किसान आना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें बैरिकेड से रोक दिया जा रहा है। लेकिन सरकार का कहना है कि वह किसी या कुछ नहीं सुनने वाली है, विधेयक पास हो गया है, इसका क्या है? ये सरकार निरंकुश है, ये सरकार लोकतांत्रिक नहीं है। सरकार यदि लोकतांत्रिक रहती तो किसान के संगठन से राय विचार करके, किसान से मशविरा करके, गांव के गरीब से मशविरा करके इस बिल का मतलब क्या है और ये बिल जल्दीबाजी में क्यों जल्दीबाजी में, अभी कोरोना काल है क्यों बिल? ये सरकार लाख प्रयास कर ले, ये किसान का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। 80% लोग, भारत के लोग, इस देश के लोग, बिहार के लोग खेती पर निर्भर करते हैं, शुद्ध किसान है। किसान आज आत्महत्या करने पर ये NDA की सरकार ये नीति के अनुसार, ये रणनीति और इनकी जिन नियम और कानून है ये सरकार के कारण हो रहा है। सरकार को चाहिए कि काला विधेयक तुरंत वापस ले ले, नहीं तो सरकार को इसी बिल पर को भी भेज देना चाहती है राष्ट्रीय जनता दल। इसका आज पुरजोर इस प्रदर्शन के माध्यम से विरोध करती है। अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो हम लोग इस आंदोलन को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इस बिल के ऊपर हमारा यही कहना होगा कि ये सरकार जो है इसको वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको बहुत बड़ा आपदा दर्ज कर रहा है और उसके बावजूद अगर वो बिल वापस नहीं लेते हैं तो सरकार को हार फेंकने का इस बार काम किया जाए। इस तरह का जो आज पहली बार रैली निकाले हैं, अगर सरकार वाकई में, क्योंकि सरकार जो विधेयक ला रही है किसी का इंतजार नहीं करी, संसद में इस पर बहस हो वो सीधे बिल पास कर रही है, अगर ये कानून वापस नहीं देती तब आप लोग का क्या स्टैंड करेगा? हम लोग जो है अपील के खिलाफ है, हम लोग उनको वापस लेना ही पड़ेगा, हर हाल में लेना है उनको वापस। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री को तेजस्वी के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं और सरकार बना करके रखेंगे। ये आज केंद्र सरकार के द्वारा जो काला विधेयक कानून जो किसानों के प्रति है जो लाया है उनके खिलाफ में देशव्यापी हम लोग के आला कलान से ये आदेश आया था 25 तारीख को एक आक्रोश, किसान आक्रोश करके एक रैली निकालना है, जिसके द्वारा बिहार के और पूरे बिहार के नहीं देश के जन जन तक को ये दिखाना है कि ये जो कानून है ये काला कानून है। कहीं ना कहीं जो हम गरीब के जितने भी लोग हैं वो दलित शोषित
सब के सब पिछड़ रहे हैं। और जो किसान की बात आ रही है, किसान को ना तो सही मूल्य मूल्य मिल पा रहा है, ना किसान का सही अनाज खरीद पा रहे हैं, किसान को तरह तरीके का झुमला दे रहे हैं। और 2022 तक जो उन्होंने आय करने की जो वादा किए थे, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप नजर आती हुई लग रही है। इसलिए ये काला कानून वापस लाए हैं और इसका पुरजोर विरोध हमारे तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं और हम लोग उनके समर्थन में रोड पर खड़े हैं। अगर ये बिल को वापस नहीं लिया जाता है, इससे भी सड़क से लेकर सदन तक इस तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार सहनी, जिला प्रवक्ता राजद दरभंगा। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? किसान के खिलाफ जो सरकार लोकसभा में बिल पारित की है, वो बहुत ही दुखनीय एवं शर्मनाक है। किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है ये एनडीए की सरकार। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आदेश पे हम लोग इसको एक मोर्चा के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। अगर किसानों को सही उचित कानून का नहीं मिला तो हम लोग सड़क से लेकर संसद तक जाने का काम करेंगे। आपका नाम? आदर्श यादव, जिला महासचिव राजद।